नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि 9 दिन में चले 2.5 कोस। यह कहावत इन दिनों जनपद गाजीपुर के ताड़ीघाट 12 रोड पर पड़ने वाले भदौरा बाजार का है, जहां पर पिछले 6 माह से 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर चल रहा है, बावजूद वह आज तक पूरा नहीं हो पाया। योगी सरकार भी सरकार बनने के बाद गड्ढा मुक्त सड़क का दावा किया था, लेकिन विभागीय अधिकारी और ठेकेदारों के कारण गड्ढा मुक्त आज तक धरातल पर नहीं उतर पाया। सेवराई तहसील के भदौरा बस स्टैंड से तहसील मुख्यालय होते हुए देवल गांव को जाने वाले मुख्य मार्ग का भी यही हाल है। यहां ठेकेदारों के लापरवाही के कारण लोगों का आना जाना दुर्लभ हो गया है। सड़क जर्जर होने के कारण ट्रकों का जाम लगना आम हो गया है, जिसके चलते पैदल निकलना भी मुश्किल है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद SDM सेवराई ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। काम चल रहा है और ठेकेदार की लापरवाही से काफ़ी समय लग रहा है सड़क बनाने में, और उसके बाद विद्यालय भी खुल चुकी है। काफ़ी बच्चों को परेशानियां का सामना झेलना पड़ रहा है इस समय, और काफ़ी जो व्यापारी है काफ़ी दिक्कत हो रही है व्यापारी को बाज़ार में आने के लिए। काफ़ी दिक्कत हो रहा है, हम तो आज हम लोग काफ़ी लोग आए थे, क्षेत्र के लोग आए थे और ये कह रहे थे कि मैंने इतनी छोटी सड़क और उसको बनाने में दोनों नाला है, इतना टाइम लग गया, ये तो मालूम नहीं होता हो रहा है कि कब तक ये बनकर तैयार होगी। और तहसील पर जाने के लिए हम लोग को मालूम होता है कि धूल फाँकते हुए तहसील में आना पड़ रहा है। तो हम लोग SDM साहब ने कहा, उनसे बात किया, हम लोग बात किए तो, और उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर में सुधार दिखाई देने लगेगा। इस रोड पर, तहसील वाले रोड पर गिट्टी गिरना शुरू हो जाएगा और जो है वो 3 दिन में जो है प्रोग्रेस दिखाई देना शुरू कर देगा। रेलवे बस स्टैंड से बाजार के तहसील के होते जाते हुए रास्ते में जो दिक्कतें हैं उसके लिए आपने कोई कार्रवाई की है, आपके पास लोग आए थे? आज मदौरा से कई लोग मेरे पास आए थे सड़क की समस्या लेकर के, तो मैंने XNPWD से बात किया है और उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर मैं इसमें गिट्टी गिरवा दूंगा और उसको समतल करा के स्थिति बना दूंगा कि बरसात में लोग परेशानी ना हो। तो ये परीक्षित तो 3 दिन में ही इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा, उन्होंने मुझसे बता दिया। सेवराई से सुमन सिंह सकरवार की रिपोर्ट।